पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी अब किस प्रकार से बना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है मानव भूगोल, से पहले हमें ये जानना है कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के संदर्भ में अगर बात करें तो भूगोल किस प्रकार का विषय है, तो पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में हम पृथ्वी के संदर्भ में वर्णन या व्याख्या का प्रस्तुत करता है, यानी किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन या डिस्क्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन जो है वो अर्थ के बारे में देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा विषय है भूगोल जिसके अंतर्गत हम अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो भूगोल की ही जो शाखा है वह ह्यूमन ज्योग्राफी है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो भूगोल क्या है? तो भूगोल एक पृथ्वी तल का विज्ञान है। ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ प्लेन, यानी भूगोल के अंतर्गत हम अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर वगैरह का अध्ययन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि भूगोल जो है, इस भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न जो तथ्य हैं या विभिन्न प्रकार के जो तथ्य पाए जाते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है या इंटर रिलेशनशिप जो पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। जैसे कि रिवर्स एंड माउंटेन्स के बीच में कुछ इंटर रिलेशन है, इसी प्रकार से वेजिटेशन या फ्लोरा एंड फौना जो है उसके बीच में भी आपको कुछ ना कुछ इंटर रिलेशंस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल क्या है? तो प्रादेशिक समाकलन। प्रादेशिक समाकलन का अर्थ हो गया कि एक भूगोल के अंतर्गत उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सभी विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से तथ्य वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी वहाँ पर चीजें पाई जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा भूगोल जो है एक सिंथेटिक साइंस है या फिर संश्लेषणात्मक है, यानी बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके उसके बाद में उसको एक साथ पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से भूगोल के बारे में हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो व्यवहारिक समस्या, यानी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है उन्हें किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए बना हुआ एक विज्ञान के रूप में। ये तो रहा भूगोल के रूप। अब भूगोल की बात करें तो भूगोल के साथ साथ अब जिस प्रकार से भूगोल, अब फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी और अब आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, तो दोनों ही विषयों में कुछ ना कुछ फर्क अवश्य है। अब ये फर्क क्या है? जैसे कि हम भौतिक भूगोल की बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो हमारी पृथ्वी है या फिर पृथ्वी का दे सकते हैं पृथ्वी का उद्भव जो किस प्रकार से, यानी पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ किस प्रकार का था, इसी प्रकार से इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या थे, विभिन्न प्रकार के लैंडस्केप जो लैंड स्ट्रक्चर्स थे वो किस प्रकार के थे, वायुमंडल के बारे में पढ़ा हमने, जल मंडल के बारे में पढ़ा तथा जो स्थल मंडल है उसके स्थल मंडल के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो भौतिक भूगोल जो है उसके अंतर्गत हमने इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी का अर्थ होता है कि जो हमारी अर्थ है या जो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो मानव रहता है, और मानव जो रहता है वह अपने नेचर के साथ उसके कुछ रिलेशंस होते हैं, और उन रिलेशंस के द्वारा, यानी अब जैसे कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन जो है उसका जो नेचर रहता है वो कुछ ना कुछ करता रहता है, वो चंचल रहता है, वो एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहता है तो वो अपने इन्वायरमेंट में किसी न किसी प्रकार के चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो वो जो चेंजेस रहते हैं उन चेंजेस का हम अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं कि मानव ने या मानव ने अपने जो प्रकृति अपना जो नेचर है उस नेचर के अंतर्गत किस प्रकार के चेंजेस लाने की कोशिश की है, तो उन चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भूगोल के अंतर्गत ये ड्यूलिज्म किस प्रकार से आया। ड्यूलिज्म ये बड़ा एक टॉपिक रहेगा आपका, और उसको वापस काफ़ी डिटेल से भी मैं पढ़ाऊँगा। ड्यूलिज्म का अर्थ होता है कि जो ज्योग्राफी था उस ज्योग्राफी के अंतर्गत ये जो ब्रांचेज आए, जैसे कि हमने कहा कि एक फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरी जो ब्रांच है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी का जो ये क्लासिफिकेशन है ये कौन लेकर आया? तो लगभग 20th century का जो टाइम ड्यूरेशन रहा था उसके अंतर्गत एक व्यक्ति यहाँ जिसका नाम है आपके बर्नहार्ड वारेनियस, यानी बर्नहार्ड जो वारेनियस थे उन्होंने इस ड्यूलिज्म को क्रिएट किया, और ड्यूलिज्म को क्रिएट किया उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट
जो बुक थी उसके अंतर्गत 1622 से 1650 का जो टाइम ड्यूरेशन था उसके अंतर्गत इन्होंने इस चेंजेस को लाया। अब इस चेंजेस के अंतर्गत यानी ये जो ड्यूलिज में है उन्होंने किस प्रकार से लाया, तो इस ड्यूलिज्म को इन्होंने दो तरीकों से लाया और इस दो तरीकों में जिस प्रकार से हमने कहा कि एक सामान्य भूगोल है और दूसरा था सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल को हम कहते हैं क्रमबद्ध भूगोल भी कहते हैं। क्रमबद्ध भूगोल का अर्थ होता है कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। अब सिस्टमेटिक जो ज्योग्राफी है उसका अर्थ क्या होता है कि हम पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ है उसका हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पूरी पृथ्वी का जो अध्ययन है हम किस प्रकार से करते हैं वो इसके बारे में हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ते हैं। पूरी अर्थ का अर्थ होता है जैसे कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा कि हमारी जो ज्योग्राफी है वो वहाँ से इंटीरियर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट होती है, फिर हम अर्थ के ऊपर आए, अर्थ के ऊपर और हमने इन्वायरमेंट में गए, इन्वायरमेंट के बाद हम हाइड्रोस्फीयर में गए। तो एक पूरी की पूरी जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है आपका सिस्टमेटिक अप्रोच। फिर है विशिष्ट भूगोल, यानी यहाँ पर जो ड्यूलिज्म लाया, ड्यूलिज्म का मतलब अर्थ हो गया यहाँ पर एक ब्रांच ये हो गई और दूसरी ब्रांच ये हो गई। तो ये तो दो ब्रांच इन्होंने बनाई है, इन दो ब्रांच बनाने का जो श्रेय जाता है जो जाता है बर्नहार्ड वरनेश का। इसमें एक तो हो गया आपका विशिष्ट सामान्य भूगोल और दूसरा हो गया आपका विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट भूगोल को रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है और जो सामान्य भूगोल होता है उसको सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अब रीजनल ज्योग्राफी का अर्थ हो गया कि किसी प्रदेश विशेष का अध्ययन करना, जैसे कि प्रदेश विशेष का अर्थ हो गया कि हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अलग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये आपका सिस्टमेटिक अप्रोच के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या किसी रीजन का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो आपके प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ड्यूलिज्म लाने की कोशिश की। अब भूगोल की द्वैतता जो ड्यूलिज्म है उसको एक बार वापस समझ लेते हैं कि इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जिसके अंतर्गत कन्वर्ट किया। अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है तो अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी का अर्थ होता है अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ का ये अर्थ हो गया कि अर्थ पर चेंजेस होते रहते हैं और अर्थ पर जो चेंजेस होते हैं वो हर समय होता है। यानी जैसे कि हमने एक प्लांट लिया तो प्लांट जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, या फिर हमने कोई एक माउंटेन लिया तो माउंटेन हो सकता है कि धीरे धीरे ओरिजिन हो रहा है, या फिर हो सकता है कि इरोजन के माध्यम से वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो उसमें चेंजेस कुछ ना कुछ आ रहे हैं। इसी प्रकार से चंचल माना होगा यहाँ पर चंचल अस्थिर पृथ्वी एंड चंचल ये है यहाँ पर मानव, चंचल मानव यानी जो मानव है वह कुछ न कुछ इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो पृथ्वी में चेंजेस अपने भी आप भी आ रहे हैं और ह्यूमन इसमें अंदर चेंज ला रहा है। चेंज कैसे ला रहा है, जैसे माउंटेन है तो माउंटेन को काट के प्लेन बना सकता है, या फिर वो कोई डेजर्ट है उस डेजर्ट के अंतर्गत वो प्लांटेशन कर रहा है, तो वो कुछ न कुछ चेंजेस लाने का प्रयास करता है। तो अर्थ में खुद अपने आप भी परिवर्तन आ रहे हैं और मनुष्य जो है वो भी उसमें परिवर्तन ला रहा है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो चेंजेबल है, यानी उसके अंतर्गत परिवर्तनशील संबंध पाया जाता है और इन परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन होता है वह ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर्स कौन से हैं, तो रेडजेल जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो शिष्या है जिसको चट एलन जेल्सी सैंपल कहा जाता है, ये काफ़ी नाम जो है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद करने होंगे। आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा और किस प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी को डेवलप किया। बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच को हम टॉपिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है या फिर इसे फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो टॉपिकल क्यों कहा जाता है, तो इसमें जितने भी जो भूगोल के जो कंटेंट है उस कंटेंट को यहाँ पर टॉपिक्स के अंतर्गत यानी अलग अलग टॉपिक्स के अंदर इनको बांट कर फिर उन सभी को अलग अलग अध्ययन करना। जैसे कि हमने टॉपिक बांट दिया, जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि पृथ्वी है यानी अर्थ है, उस अर्थ को स्थलमंडल में बांट लिया। स्थलमंडल के अंतर्गत हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे, हम प्लेन्स को पढ़ेंगे, हम प्लेट्यूज को पढ़ेंगे, तो एक सिस्टमेटिक बन गया। फिर इसके अलावा हाइड्रोस्फेयर हो गया, तो हाइड्रोस्फेयर में हम लेक्स को अलग पढ़ते हैं, ओशंस को अलग पढ़ते हैं, रिवर्स को अलग पढ़ते हैं, स्ट्रीम्स को अलग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से वायुमंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये अलग अलग भागों में इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो प्रसिपिटेशंस वगैरह हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन
करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटकर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर के अंतर्गत हम माउंटेन प्लेट्यू एंड प्लेन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार से हम हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फेयर में हम ओशियंस, आपके जो सीज है, विभिन्न प्रकार के लेक्स है, पॉन्ड्स है, ओशियन करंट्स है और टाइड एंड ऐब है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के अंदर हम टेम्परेचर को पढ़ते हैं, रेनफॉल को पढ़ते हैं, क्लाइमेट को पढ़ते हैं, विंड को पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमने पढ़े किसमें, यानी ये एक चैप्टर ये ले लिया वायुमंडल, तो वायुमंडल में हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या करते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो कंटेंट होता है वो रहता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का जो रिलेशन है वो हम किस प्रकार से बनाते हैं, यानी पॉपुलेशन जो है उसमें और माउंटेन्स में क्या रिलेशंस है, पॉपुलेशन एंड माउंटेन्स में क्या रिलेशन है, पॉपुलेशन एंड प्लेट्यू में क्या रिलेशन है, पॉपुलेशन एंड जो प्लेन्स है उसमें क्या रिलेशन है, जो ओशियंस है वो पॉपुलेशन को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, टेम्परेचर और रेनफॉल का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों को हम इंटर रिलेट करके ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टॉपिक किसका है, ह्यूमन का, ह्यूमन से रिलेटेड है, क्योंकि बिना पॉपुलेशन एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रिलेट किससे करता है, ह्यूमन से। अब ह्यूमन कि ये जो एक्टिविटी है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करने में यानी उसके ऊपर अफेक्ट किस बात, यानी जो आपके जितने भी माउंटेन्स होंगे तो माउंटेन्स जो है वहां पर आपके ट्रांसपोर्टेशन की जो जितनी भी जो फैसिलिटी है वो वहां पर अफेक्ट करेगी। वहां पर आपको रेल ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल सकेगा, हो सकता है कि आपको वहां पर इनलैंड वाटरवेज नहीं देखने को मिले। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम रेसेस के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो ऑक्यूपेशंस है उनके बारे में, यानी उसका प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी जितने भी जो ऑक्यूपेशंस है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय जो है उनके बारे में अध्ययन करता है। यानी कुल मिलाकर यह है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ह्यूमन जो है वह अपनी ज्योग्राफी से किस प्रकार से प्रभावित होता है तथा ह्यूमन को उसकी ज्योग्राफी कैसे प्रभावित करती है, इन दोनों के इंटर रिलेशंस को हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से सिस्टमेटिक से पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहलाएगी, और इस प्रकार का जो सिस्टमेटिक अप्रोच आपको देखने को मिलेगा आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर है रीजनल ज्योग्राफी। अब रीजनल ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्थ है उस अर्थ को हम अलग अलग रीजन्स में कन्वर्ट करेंगे और उस रीजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक यानी फिजिकल और जो मानव संबंधित जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण, उसका एनालिसिस भी करेंगे और उनका सिंथेसिस भी करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत की लोकेशन, भारत का डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो वन संसाधन है, यानी वहाँ पर वेजिटेशन कौन कौन से पाए जाते हैं, वहाँ पर मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो है, इसी प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत भी हम सेम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये रीजन विशेष के बारे में हो गया। अगर वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो वो आपका सिस्टमेटिक अप्रोच कहलाता है। फिर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम इन सभी टॉपिक को पढ़ते हैं जो पहले से डिस्कस किए जा चुके हैं। फिर अगर हम बात करें कि मानव भूगोल की परिभाषाएँ क्या है, यानी किस प्रकार से इसकी डेफिनेशंस को दिया जा सकता है, तो डेफिनेशंस की बात करते हैं तो उन परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले मानव भूगोल का जन्मदाता, जन्मदाता का अर्थ होता है जिसने सबसे ज़्यादा इसको डेवलप किया या सबसे ज़्यादा ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में जिसका रोल रहता है तो उसे हम जन्मदाता कहते हैं। तो जन्मदाता जैसे फ्रेडरिक रेटजेल कहा जाता है। अक्सर ऐसा छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि फ्रेडरिक रेटजेल, अब फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे, वो जर्मनी के निवासी थे। अब जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ये एंथ्रोपोजोग्राफी जो बुक है जो 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी और इस 1882 से 1892 का इनका टाइम ड्यूरेशन है। ये टाइम ड्यूरेशन मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ये लगभग है इनका जो टाइम ड्यूरेशन था ये था 1882 से लगाकर 1892 टाइम
तक का ये टाइम ड्यूरेशन था, जो 3 वॉल्यूम्स जो है इसके पब्लिश हुए थे। इस पुस्तक जो बुक है उसने इनमें अपना इस जो कॉन्सेप्ट है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। एक एक वर्ड को आसानी से समझिएगा कि मानव भूगोल के दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जितना भी जो कंटेंट है वो कंटेंट किससे रिलेटेड है, उसके नेचर से रिलेटेड है, उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो मानव भूगोल में जितने भी जो कंटेंट पाए जाते हैं या जितने भी जो दृश्य पाए जाते हैं वो डायरेक्टली किससे, उसकी नेचर से रिलेटेड होते हैं, और वो स्वयं दशाओं का एक योग होता है। योग होता है का अर्थ होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर उसके अंतर्गत उसका जो कंटेंट है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की जा सकती हैं, उसमें बहुत सारी भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी प्रकार से दूसरी जो परिभाषा है, जो रेडजेल की ये शिष्या थी, शिष्या यानी उसका ये गाइड थे और पीएचडी के गाइड थे और ये इनकी शिष्या थी, उन्होंने अपनी पुस्तक यानी इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, भौगोलिक कारकों का प्रभाव, और इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने परिभाषा दी थी जो सबसे आसान सी और सबसे जल्दी याद होने वाली परिभाषा है, वह है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी पृथ्वी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, पहला मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव, चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी पृथ्वी का अर्थ हो गया है कि इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो हमारी पृथ्वी पर चेंजेस होते रहते हैं तथा जो ह्यूमन है अपना आप भी चेंजेस होता है, जैसे कि इरोजन हो रहा है या वैदरिंग हो रहा है या एंडोजेनेटिक फोर्स लग रहे हैं, अंतर्जात बल लग रहे हैं, बहिर्जात बल लग रहे हैं, तो ये अपना आप चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन है वो भी क्या करता है कि इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो इन चेंजेस यानी चेंजेस तो दोनों तरीके से आ रहे हैं, या तो ह्यूमन ला रहा है या अपने आप आ रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें कुछ रिलेशंस पाया जाता है, यानी ह्यूमन जो है उस ह्यूमन के इस अर्थ के साथ जो इस प्रकार से जो रिलेशंस है उन रिलेशंस का हम अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। यानी मनुष्य कह सकते हैं शुरू शुरू से ही एक्टिव के रूप में देखा जा सकता है, वो कुछ न कुछ करता रहता है, खाली नहीं बैठा रहता है, तो वो कुछ न कुछ करता रहता है और अपने जो क्रियाकलापों होते हैं उसका वो प्रभाव पृथ्वी पर डालता है। जैसे कि वह अपने अनेक जितने भी उसकी जो नीड है उसके लिए पृथ्वी के जितने भी जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का वो यूज करता है, फिर धरातल पर मनुष्य की क्रियाएं कभी भी कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय नहीं होनी है, ऐसा कभी टाइम नहीं आता है कि मनुष्य ने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो कुछ न कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से उसकी जो रिलेशंस है वो चेंज होते रहते हैं और इन्हीं रिलेशंस का हम अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। फिर सैंपल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल, क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या करता है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मानव जन्म से ही काफ़ी सक्रिय रहता है, उसके क्रियाकलाप जो है पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं, अनेक उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो पृथ्वी के असंख्य जो संसाधन यानी उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। हमारे अर्थ के सरफेस पर मनुष्य की जितनी भी जो क्रिया है वो कभी भी निष्क्रिय नहीं आएगी, मनुष्य ने कुछ किया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा मनुष्य की बातें ही पृथ्वी भी कभी स्थिर नहीं रहती है, पृथ्वी अपना आप भी उसमें चेंजेस लाता है, उसमें नए नए भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल जो चेंजेस है वो आते रहते हैं। तो इन भौतिक परिवर्तनों का जो प्रभाव यानी पृथ्वी अपने आप को बदल रही है और मनुष्य भी पृथ्वी को बदल रही है, तो कुछ न कुछ चेंजेस हमारे अर्थ पर देखने को मिलता है। जैसे कि माउंटेन है तो हो सकता है कि माउंटेन की जगह पर थोड़े दिनों में आपको प्लेटू नजर आए, या फिर ह्यूमन ने उस माउंटेन को काट काट कर वहाँ पर प्लेन्स क्रिएट कर लिया, तो ये जो चेंजेस होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इन जो चेंजेस के साथ मनुष्य क्या करता है, वह सामंजस्य यानी उसके साथ एडजस्टमेंट बनाता है और अपने आप को डेवलप धीरे धीरे करता रहता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के एक्टिव मानव
और अनस्टेबल जो अर्थ है उसके बीच में जो रिलेशंस है, जो चेंजेस होते रहते हैं, उसके साथ साथ ही वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास करता रहता है। कुछ और परिभाषाएं एक दो और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कामिले हैं। तो वो कामिले क्या कहते हैं, मानव भूगोल, मानव समुदायों एवं पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन, कामिले वेलेक्स कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मैन जितने भी आप जैसे कि परिभाषा देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जितना ह्यूमन है और उसका अर्थ है और उसके साथ उसके रिलेशंस है। देखिएगा, रिलेशंस, अर्थ और ह्यूमन, ह्यूमन समुदाय यानी उसका जो समाज है, उस समाज के साथ उसके क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के साथ वो उसके साथ किस प्रकार के परिवर्तन लाता है। इसके अलावा विडाल डी ब्लांस जो फ्रांस के थे, इनकी जो किताब थी प्रिंसिपल दी ज्योग्राफिक ह्यूमन जो 1921 में पब्लिश हुई थी, और इसके अंतर्गत बताते हैं कि पृथ्वी और मानव, देखिएगा इसमें भी वो सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि पृथ्वी और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का एक विचार है, यानी एक दूसरे को वह प्रभावित करते हैं, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर निवास करने वाले जीवों के बीच संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। यानी इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन, ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉ गवर्निंग आउट अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बींग विच इनहैबिट इट। तो इसके साथ हम इसको मानव भूगोल को समझ सकते हैं। इसके अलावा जिन ब्रूंस की कि सभी मानवीय क्रियाएं यानी मानव की जो एक्टिविटीज है जो अर्थ पर विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती है, उनका अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी ऑल दिस फिनोमिना इन विच ह्यूमन एक्टिविटी प्लेज ए पार्ट टू फॉर्म ए वेरी स्पेशल ग्रुप among the surface phenomena of our planet, and to the study of this class of geographical fact we give the name human geography। yani human geography ke antargat hum in sabhi tathyon ka adhyan karte hain। iske alawa dimanja ki ye paribhasha hai aur ye kuch paribhasha hai jo yahi kehti hai ki human tatha uske earth ke beech mein रिलेशंस होता है और इन रिलेशंस का हम अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। तो पूरा का पूरा जो स्टडी है उस स्टडी के अंतर्गत हमने ये देखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने किन चीज़ों का अध्ययन किया, हमने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, इस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने मानव एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यानी मानव और उसके पर्यावरणों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों का अध्ययन यहाँ हम करते हैं, या फिर हम साधारण शब्दों में कहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, चंचल सैंपल की परिभाषा लिखिए, याद रखिएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम अस्थाई पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। आगे की जो क्लासेज रहेगी उसके अंतर्गत हम ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी फर्दर जो टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।